जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संविधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने कहा कि 26 नवम्बर 1949 वह पवित्र दिन था जिस दिन संविधान को पारित किया गया था। हम लोग हर वर्ष आने वाले पर्व को मनाते हैं, उसकी तैयारियां भी करते हैं। उसी तरह नवंबर माह लगते ही हम लोग संविधान दिवस मनाने के लिए तैयारी करते हैं। आज के दिन हम लोग अपने संविधान व कानून का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, संविधान से ही देश चलता है। यदि समाज को सुचारू रूप से चलाना है तो हम लोगों को संविधान के अनुसार चलना होगा। इट्स अ लिविंग बीकन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ होप एंड एस्पिरेशंस ऑफ 1.4 बिलियन पीपल ऑन अर्थ। It's a document which has stood test of time. On this occasion, I am reminded of a quote of Baba Saheb Ambedkar. He said, "Howsoever good a constitution may be, if those who are implementing it are good, it will prove to be good. And howsoever bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good." I believe and hope that we keep up with the spirit of common brotherhood, scientific temper, humanism, as our constitution intends in the days to come. विधि की परिकल्पनाओं को सुचारू रूप से विकसित करें तथा अपना जो भी कार्य करें वो विधि की दृष्टि से करें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोर्ट कचहरी में ही सिर्फ विधि के कहते हैं या फिर विधि को ही पालन करते हैं। एक सभ्य समाज को बनाना है तो हमको अपने प्रोफेशनल लाइफ से निकलकर एक सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा, जिससे हम संविधान दिवस को या फिर विधि के दिवस को सच्चे मायने में उसकी परिकल्पना को या फिर उसको स्थापित करने के सिद्धांतों का पालन कर सकें। आपने मुझे आप मौका दिया बोलने के लिए, धन्यवाद। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आदरणीय पीठासीन अधिकारी कमर्शियल कोर्ट, मंच पर उपस्थित अपर जनपद न्यायाधीश महोदय एवं समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, 26 नवंबर 1949 का वह पवित्र दिन था जब हमारी संविधान सभा ने अपने द्वारा निर्मित संविधान को अपनाया। हम लोग प्रत्येक वर्ष आने वाले पर्व को मनाते हैं, उसकी तैयारियां भी करते हैं। उसी तरह नवंबर माह लगते ही पर्व के रूप में मनाने के लिए, संविधान दिवस मनाने के लिए तैयारी करते हैं। संविधान दिवस मनाया जाएगा और आज के दिन हम सभी लोग यह संकल्प भी लेते हैं कि अपने संविधान का, कानून का, सामाजिक न्याय दिलाने का भी संकल्प लेते हैं। अब मैं इस समय श्री शाही का जरूर करूंगी। अधिकार के रूप में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, तो निश्चित रूप से जो ये संविधान है और संविधान सभा में आज आत्मापित किया गया था, नियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, उस संविधान सभा को एक अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए दिवस पावन पर्व ही हमारे लिए हो जाता है। इस दिवस के जरिए हम उनके प्रति, जिन्होंने संविधान को बनाया है, बनाने में अपना जीवन का मूल योगदान दिया है, हम उनके सदा सदा आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। और अभी अशोक जी, अशोक सर ने ये कहा है कि हमारे केवल अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी हैं। तो अधिकार अधिकार की बात तो हम लोगों ने 75 सालों में बहुत कर लिया है। एक मौका ये आज के दिन हमें ये भी मिलता है कि हम अपने कर्तव्यों के बारे में भी चिंतन करें कि हमारे कर्तव्य ही हम दूसरों के अधिकारों को पूर्ति करेंगे, उनको मदद करेंगे। तो बींग हम लोग जुडिशियल ऑफिसर, न्यायिक अधिकारीगण होने के नाते हमारे पास ये ज़्यादा मौका है कि हम अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा भली प्रकार से पालन कर सकें और दूसरों के अधिकारों को सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ